हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप लोग मेरा न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो टॉपिक है आज हम लोग बात करने वाले वो है ओड एंड इवन। ओड एंड इवन में अभी हम लोग स्मॉल बैंक रोल जो है उसी से गेम प्ले करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो 2000 स्मॉल बैंक रोल है। तो यहाँ पर लास्ट नंबर हमारा 6 है, 6 हमारे इवन है। तो इवन में लगेगा 10 रुपीज़। जो ट्रेंडिंग में आता है यानी कि जो लास्ट में हीट होगा उसी को देख के लगाएंगे। ओड हीट होगा ओड में, इवेन हीट होगा इवेन में लगाएंगे। तो यहाँ पर इवेन में लग चुका है 10 रुपीज़। यहाँ पर इवेन नहीं है, हमारे को ओड हीट हुआ है। तो ओड हीट होने के बाद ओड में लगेगा 30 रुपीज़। एक बुक ले लेना, बुक में लिख लो दोस्तों मैं यहाँ पर कितना कितना बेट लगा रहा हूँ। 10 रुपीज़ 30 रुपीज़ लॉस होने के बाद, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग चलो बाद में बात करेंगे। प्रॉफिट नहीं हुआ तो 0 ही नहीं, हीट होने पर लॉस। 0 ऐसा नंबर है जो हमारे ओड भी नहीं है इवन भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जिसमें लॉस हुआ था उसमें रिबेट करेंगे एंड उसमें ही हमको लगाना पड़ेगा 70 रुपीज़। का बेट लग चुका है यहाँ पर मेरा, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर ओड हिट हुआ है 10 नंबर्स, तो 10 में भी हमारा को फिर से लॉस हुआ है। तो हम लोग इवेंट में लगाने वाले 150 रुपीज़। 10 रुपीज़ लगाया लॉस, 30 रुपीज़ लगाया लॉस, कितना 30 रुपीज़ लगाया लॉस, 70 लगाया वो भी लॉस। अब हमारा 150 लग चुका है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें भी लॉस, 170 भी लॉस हुआ है। तो हम लोग अब हमारे पास अभी भी बैकअप है ना, तो 170 लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे 310 रुपीज़। ओके, 150 लॉस होने के बाद यहाँ पर लगेगा 310 रुपीज़। अगर एक बार भी हीट होगा ना तो हमारे पूरा रिकवर हो जाएगा। तो देखिए मेरा लॉस हुआ था कितना बार, लॉस हुआ कितना बार लॉस हुआ, फिर भी एक ही हीट काफ़ी था हमारा। एक बार हिट होगा तो एक ही बार में 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है भाई। तो हमको ज़्यादा उछलना नहीं है, जो हमारा प्रॉफिट है उसको होने दो। हम लोग ओड वही लगाएंगे, लास्ट नंबर ओड है तो ज़्यादा नहीं लगाना है। जो फर्स्ट बेट है 10 रुपीज़ वही लगाना है, ठीक है। 10 रुपीज़ लगा दिया हूँ मैंने ओड में, क्योंकि ओड लास्ट नंबर है तो लास्ट नंबर में मेरे को प्रॉफिट मिलता है। नंबर 13 ओड ही आया है, तो ओड में आने के बाद मेरे को फिर से प्रॉफिट मिला है। तो इसमें तो 3 रुपीज़ ही लगाने पड़ेगा, फर्स्ट बेट है, प्रॉफिट होता है तो फर्स्ट बेट लगाना है। लॉस होता है तो हमको थोड़ा सा इंक्रीज करके लगाना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई यार। चलो ओड में लगाने के बाद इवेन में लगाएगा 30 रुपीज़, ज़्यादा नहीं 30 रुपीज़, क्योंकि हमारा प्यास, हमारा पास बोल सकते क्या बोल सकते, मेरे पास थोड़ा सा अभी तक बैकअप नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पर कम अमाउंट से गेम प्ले कर रहा हूँ 10 रुपीज़ से। तो 30 रुपीज़ भी लॉस हो चुका है, तो यहाँ पर लगेगा मेरा 70 रुपीज़। जिगजैग पैटर्न में लॉस होगा, नहीं तो आपका लॉस नहीं होने वाला है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आगे देखते हैं। नंबर ओड ही आया हुआ है तो यहाँ पर एक ही बार में लॉस रिकवर। तो अगेन ज़्यादा लालच नहीं करते हुए 10 रुपीज़ ही ओड में लगाएंगे। ओके, अगेन ओड हिट हुआ है 1, तो अगेन मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो फिर से ओड में ही लगेगा मेरा 10 रुपीज़। अगेन ओड हिट हुआ तो अगेन 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो ओड में फिर से अगेन 10 रुपीज़ ही लगाना पड़ेगा। जो आता है उसका ही लगाना है, हमारा रूल्स है तो रूल्स को नहीं तोड़ सकते।
रूल्स को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। चलो क्या बात बोल दिया मैंने यार, चलो इग्नोर कर दो, मजाक मस्ती छोड़ दो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से इवेंट में 30 रुपीज़, क्योंकि लॉस हुआ है ना, लॉस होने के बाद लगाएंगे 30 रुपीज़ किस में? ओ भाई उसी में लगाएंगे जो आया है ना, उसमें लगाना पड़ेगा यार मेरी जान। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा 22 आने के बाद इवेंट हिट हुआ तो देख सकते हो फिर से एक ही बार में जो भी लॉस हुआ था, जितना भी लॉस हुआ था सब कुछ रिकवर हो चुका है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल चुका है। तो इवेंट में अगेन में लगाना चाहूँगा 10 रुपीज़। ये नहीं कि आप लोग प्रॉफिट हुआ था ज़्यादा का तो हम लोग उसी को रिपीट कर देते, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हुआ तो फिर से प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा नहीं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है दोस्तों, रूल्स जो है उसको फॉलो करना है। एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो क्या हुआ, हम लोग पहले कम अमाउंट से प्रॉफिट करेंगे यार, लेकिन लॉन्ग टाइम तक खेलना है हमारे को, अपना टारगेट कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा का लालच नहीं करेंगे, जितना बजट है उसी हिसाब से खेलेंगे। तो देखो लॉस हुआ है तो ओल्ड में हमारा लगेगा 30 रुपीज़। जो हमारे को ओड नंबर है जिसमें हमारे को प्रॉफिट मिला है दोस्तों फिर से, और लॉस भी पूरा रिकवर हो चुका है, तो ओड में ही लगेगा ओनली 10 रुपीज़। लॉस रिकवर हो चुका है तो ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, जो है सो है। तो यहाँ पर 6 मिनट 6.5 मिनट हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, और क्या बताऊँ मैं, सब्सक्राइब तो आप लोग कर लो कि मेरे को पता है। ओके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी घंटा को भी दबा देना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और मेरा नया नया वीडियो नहीं देख पाओगे, तो ज़रूर दबा देना नोटिफिकेशन भी। तो यहाँ पर अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो आप। ओके यहाँ पर अगेन ओड हिट हुआ तो अगेन प्रॉफिट, तो ओड में ही लगाएंगे 10 रुपीज़। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली वीडियो देख सकते हो यार। चलो हो गया मस्ती मजाक। 23 ओड तो अगेन प्रॉफिट हुआ है, तो ओड में ही लगाना पड़ेगा अगेन 10 रुपीज। बात करते करते 7 मिनट चला गया, पता भी नहीं चला, और यहाँ पर 190 रुपीज प्रॉफिट हो चुका है। 1, 2, 3, 30 रुपीज इवेंट में। तो क्यों लगाया, कैसे लगाया तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आगे पूरा बता दिया हूँ रूल्स, तो बैक करके देख सकते हो। 34 फिर से हिट हुआ तो फिर से प्रॉफिट, जो भी लॉस हुआ था पूरा रिकवर एंड प्रॉफिट, ओनली 10 रुपीज ही लगाएंगे फिर से इवेंट में। 19 की कोई बात नहीं, रोज को फॉलो करेंगे, 30 रुपीज लगाएंगे। 230 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, तो यहाँ पर ओड में ही लगेगा 10 रुपीज। 10 रुपीज तो हमको फिर से लगाना पड़ेगा ओड में ही, क्योंकि रूस ने हमारे को बोलता है वही लगाना है। इवेंट आने के बाद लॉस हुआ तो इवेंट में लगेगा 30 रुपीज, बिना सोचे समझे लगा देना है, जो आपका रूल्स है उसको फॉलो करते हुए। लॉस होगा उसमें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन रूल्स को फॉलो करके लॉस होगा तो कुछ भी नहीं होगा, रूल्स फॉलो करोगे तो लॉस नहीं होगा यार। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 70 रुपीज, 30 का लॉस हुआ तो 70 लगाना पड़ेगा, 70 लॉस होता है तो 150 लगाएंगे भाई, 150 लॉस होता है तो हम लोग 310 रुपीज़ लगाएंगे, और 310 रुपीज़ लॉस होगा तो हम लोग कितना लगाएंगे, 620।
तो यहाँ पर मेरे को कितना लॉस हुआ दोस्तों, 70 रुपीज़ का लॉस हो चुका है इवेंट आने के बाद, 70 लॉस होगा। तो हम लोग बोला था 150 रुपीज़ लगाएंगे इवेंट में, तो कोई बात नहीं इवेंट में लगा देते हैं। ओके यहाँ पर इवेंट ही हिट हुआ, तो देखो दोस्तों एक ही बार में रिकवर 280 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है भाई, ओनली 2000 स्टार्ट किया था, 280 रुपीज़ रिकवर हो चुका है। तो इतना बहुत है, आपको थोड़ा से ही अमाउंट का टारगेट लेके खेलना है, प्रॉफिट लेने के बाद निकल जाना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।